1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था। धनखड़ जी ने कहा ये रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पे चर्चा नहीं होगी। नहीं, आपस में बोलिए, लेकिन झूठ ना बोलिए। अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज आपको बता दूं। नहीं सुबह आपने बात अपने बारे में, शाज़ी अल्मी नहीं अभी आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। चुपचाप बैठिए आप। नहीं नहीं प्लीज, मेरा पढ़े लिखे आदमी बिना देखे हुए आदमी है। उन्होंने कहा है आप इनको शीनी, क्योंकि दुनिया भर की बातें कर रही है। और उस ठीक है मनीषा कांडे, ओके एक आपने मुंह हो गई। सुप्रिया श्रीने को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनौत जी के लिए। मुद्दा भी नहीं है, मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है। ये मुद्दा भी नहीं थी, सर माफी मांगे मुझसे। नहीं प्लीज झूठ बोलने के लिए मंडी में भाव क्या चल रहा है उनको माफी मांगनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता साजिया इल्मी, शिवसेना सिंधे गुट की डॉक्टर मनीषा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत के बीच में। दोस्तों डिबेट में पहले सुप्रिया सिन्नेत और साजिया इल्मी आपस में भिड़ गई। दोस्तों इनकी बहस काफ़ी गर्मा गर्म चल रही थी, लेकिन उसी बीच एंट्री हो जाती है डॉक्टर मनीषा की, जिन्होंने सुप्रिया सिन्नेत के द्वारा कंगना रनौत पर किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट की याद दिला दी। बस दोस्तों ये सुनते ही मैडम बिल्कुल भड़क गई। अब दोस्तों उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। और जया अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है? मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ जया जी के नाम तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष ने वॉकआउट किया वो लगातार जो संसद में हो रहा है उसको मायने रखने चाहिए, जो लगातार राज्यसभा के सदन में हो रहा है। राज्यसभा में आज कल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, ये आए दिन की बात हो गई है। सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। इसमें दम्भ और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए, ये सब सांसद है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। सुप्रिया जी, लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? वो उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति को बोलती तो एक बार समझ में भी आता, उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च स्थान जो हायरार्की उसमें दूसरा पद आता है उनका, और वो कस्टोडियन है उसके, वहां वो उनको कलीग कह रही हैं। और टोन की बात तो डायरेक्टर की बात से पहले आ गई थी। नहीं गौरव जी आपने फिर बात का मर्म नहीं समझा। अच्छा, पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है, एक राज्यसभा का सांसद वाइस प्रेसिडेंट जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है, तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था। धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। आप फिर से गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत बोलिए, बोलने का मौका सबको मिलेगा। आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक साझा आदमी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी बात पूरी होगी। सुप्रिया जी आपने कहा छोटा सा इंटरवेंशन हो गया। बस गौरव जी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बीजेपी की तुम्हें बता दूं, नीट पर किसी की बात समझ में नहीं आएगी। करेंगी उसको अभद्रता करेंगी।
नहीं नहीं आपस में बता बोलिए लेकिन झूठ ना बोलना, आप शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं नहीं प्लीज प्लीज आपको बता नहीं सुप्रिया जी ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा कांदे और मानव जायसवाल बोलेंगे नहीं नहीं कोई नहीं कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। मनीषा आप बोलिए मनीषा कांदे बोलेंगी एनडीए से मनीषा कांदे मेरे साथ है मनीषा कांदे आपस में नहीं प्लीज 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 आप कौन सी बात कहा कौन सी बात कहा जा रही है शाजी आलमी नहीं अभी आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। मनीषा कांदे को लाइए स्क्रीन पर। मनीषा कांदे जी प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए सुप्रिया जी शाजिया जी आपसे मत बात कीजिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है। मनीषा कांदे मुझे बताइए क्या संसद में इसका हल निकाला जा सकता है। मनीषा कांदे को उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए बीच में मत बोलिए बार बार बीच में बोलती हैं आप तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में चुपचाप बैठिए आप डायरेक्टर हूँ मैंने तो सुना बिल्कुल कहा है आपने सुना सुना दीजिए आप क्लिप सुना दीजिए आपकी जानकारी चलता है उन्होंने ये कहा एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है सुप्रिया श्री ये बोला उन्होंने सुप्रिया सुनीत बोलिए उन्होंने कभी नहीं कहा मैं डायरेक्टर झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है इनको दिक्कत उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूँ सुपर अभी मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे लिए वो दिक्कत क्योंकि ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती क्यों बोल रही है आप बीच में मत बोलिए शाजी आप बीच में मत बोलिए उनको बोलने दीजिए फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा उनको बोलने दीजिए शाजी आप रुक जाइए बोलिए सुप्रिया सुनीत मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो थोड़ा वीडियो देख कर आया करो तो यहां पर आकर अपनी फजीहत अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं जिस तरह तीन तीन चार चार बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं है ये इस देश के सांसद है इनको सम्मान दीजिए आपको सम्मान मिलेगा। आपने खरगे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद मैं जानना चाहती हूँ। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल आप शाजी आलमी से जवाब दे रहे हो फिर मनीषा कांदे ये औरत को दर्जा समझने मैं आ रहा हूँ मनीषा कांदे आपके पास मनीषा जी ओके शाजी आलमी एक मिनट है फिर मनीषा कांदे बोलेंगी बोलिए शाजी आलमी जवाब दीजिए। देखिए जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है जितनी बार शाजिया नहीं दिखा सकते आप हमसे सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता आप पीठ नहीं दिखा सकते अच्छा नहीं लगता आप पीठ नहीं दिखा सकते चुपचाप वो चुप हो गई थी बाद में वो चुप हो गई थी बाद में किया था इनको क्योंकि बिल्कुल सही है किसी को किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए लेकिन चुप हो गई थी आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा बोलूंगी सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता वो बीच में चुप हो गई थी आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी चुप हो जाइए उनको बोलने दीजिए शाजिया बोलिए आप अब दिखाइए नहीं नहीं आप बोलिए शाजिया आपका टर्न है शाजिया वो चुप हो गई आप बोलिए ना जो करती है ये संसद में इनकी पार्टी इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया राहुल गांधी जी को इतने साल हो गए हैं लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते वो ये भी नहीं जानते उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते तो ये उन लीडर्स की लीडर के तहत काम कर रही हैं जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम अब दुनिया भर की बातें कर रही हैं और उस ठीक है मनीषा कांदे ओके एक मिनट अपने मूर्ख आप हो गई फिर आप लोग पर्सनल हो जा रही हैं इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू करना पड़ता है आप लोगों के बीच में। सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता जिन्होंने मंडी में क्या भाव है
ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि महिला के सम्मान में बात करे, महिला के सम्मान में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बोला था कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने बोला था ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया और ये मुद्दा भी नहीं है, ये मुद्दा भी नहीं है, मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है, ये मुद्दा भी नहीं है। मनीषा गांधी जी, मनीषा गांधी जी जिस मुद्दे पर उस पर आई है, ओके सुप्रिया जी, ओके बोलने दीजिए उनको, मैंने बोल दिया उनको, बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं किया था, वो उन्होंने बोला था, उन्होंने बाद में सफाई दी थी। सर मैम प्लीज किसी के बीच में मत बोलिए, मैम किसी को पर्सनल मत बोलिए, और माफी मांगे मुझसे, नहीं प्लीज पर्सनल मत, झूठ बोलने के लिए। मंडी में भाव क्या चल रहा है, उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको माफी मांगनी पड़ी। मनीषा गांधी क्या ये विषय है आज का, माफी मांगनी पड़ी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।